अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने तय किया कि 60,000 रुपए की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिनका नाम छूट गया, उनको हम राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत उनका घर बनाएंगे। ये सब हम लोगों ने 2018 में बना लिया, नियम बना लिया, कार्यक्रम बना लिया, योजना बना ली। तो हमने इस पूरा सर्वेक्षण कराया और ये सब चीज में कमी है। उसके बाद मीटिंग करके हम लोगों ने कहा कि इस पर तत्काल कार्रवाई करिए। और आज जब हम यहाँ आने वाले थे तो हमने आज ही चीफ सेक्रेटरी को कहा और पूरी रिपोर्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमने मंगवाई है कि भाई ये 5-7 जो काम था उन लोगों पर, उसकी तरक्की क्या है। तो देखा है रिपोर्ट में कि काम लोगों ने प्रारंभ किया है, उसके लिए बुनियादी काम वो करेंगे। लेकिन हम यहाँ आने के पहले आज भी हमने मुख्य सचिव को कहा कि आज और कल के अंदर आप पूरा इसका अध्ययन और आकलन कर लीजिए। और हम लोगों का ये संकल्प है कि 3 महीने के अंदर, यानी ये 31 जुलाई को हम लोगों ने तय किया है, मीटिंग हुई थी सर्वेक्षण के बाद। तो हमने कहा कि 3 महीने के अंदर जितना अधिक से अधिक काम करना है हम लोग कर देंगे। तो याद हमने फिर चीफ सेक्रेटरी को कहा और ये सब काम होगा, ये चिंता मत करिए। और यहां पर क्या था, 10 था इंतजाम बेड का और जो स्थिति हो गई 10 नहीं 14 तक था, 12 14 14 था। और जब यहां फैला तो हमने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को कहा कि भाई तुरंत उपाय करिए ताकि इसका इंतजाम हो सके। और यहां जगह नहीं थी, अंत में जो यहां जेल वालों के लिए जो जगह थी उसी में इन लोगों ने शुरू किया और करीब करीब 65 का इन लोगों ने काम शुरू किया। और उसी समय केंद्र के मंत्री आए, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए, सब लोग आए थे और बात हो गई थी कि नहीं, हम लोगों को तत्काल काम शुरू करना है और अगले साल के पहले हम 100 बेड का बना देंगे। तो आज मुझे उसका आज कार्यारंभ हो गया है और आश्वस्त किया गया है कि अप्रैल तक ये काम पूरा हो जाएगा। और अगर अगले वर्ष में कोई पीड़ित होगा तो उसको किसी प्रकार के इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो और सब समय उसका सब कुछ इलाज। और एक बात, हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठे हुए, सामने भी बहुत सारे लोग स्थानीय नेता बैठे हुए हैं और यहाँ से संबंधित सब लोग, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोगों को एक अवेयरनेस के लिए काम करना पड़ेगा। आप कुछ भी करिएगा, कोई पीड़ित रहेगा उसका इलाज करिएगा, वो पीड़ित न हो उसके लिए अवेयरनेस, उनको उसको इसके लिए जागरूक करना होगा, जागृति का अभियान जरूर चलाना पड़ेगा। और जो हम लोगों ने 5 जगह किया है इसी को आधार मान करके, तो सब जगह के लिए तो स्कीम बना चुके हैं। हर परिवार को जोड़ेंगे, नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, बच्चे बच्चियों को हम पढ़ाएं, हर किसी को रहने का आवास मिल जाए, शौचालय हर घर में बन जाए, ये सारी चीजों के लिए हर घर नल का जल पहुंचा दें, हर घर बिजली पहुंचा दिया, ये सब काम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि भाई इसका लाभ लीजिए। और दूसरी बात है कि हम लोगों को मालूम है कि आप चाहे जितना भी काम करिए, कुछ हाशिए पर ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं होता, उसके चलते वो वंचित रह जाते हैं इन चीजों से। ये जो सर्वेक्षण कराया उसमें ये बात आई जिसका हमने आपको जिक्र किया। तो अगर अवेयरनेस के लिए सब लोग सजग रहेंगे, अब क्या है मतलब बच्चे को भूखे पेट में रखना, सबको देखना है कि बच्चा भूखा न रहे, कई तरह की चीजों के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और वो अवेयरनेस हम लोगों को करने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रशासन की तरफ से सारा कार्य होगा, लेकिन सामाजिक तौर पर भी जो लोग सक्रिय हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। और एक बात हम और कहेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है, कुछ ही इलाकों में ये स्थिति पैदा होती है गर्मी के दिन में, और गया और उसके कुछ इलाकों में पैदा होता है जहां जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी का रहता है जब ये बरसात शुरू होता है। तो आखिरकार उसके लिए तो जो जेई का हम लोग टीकाकरण करवा रहे हैं और 24 जिले में होता था, 11 का और चयन कर लिया, 3 बचा है, उसके लिए भी अनुरोध किया जा रहा है भारत सरकार से, उसको भी मान लीजिए सबका हो जाए।
लेकिन आप देख लीजिए कि कुछ न कुछ इसका सीधा मतलब पर्यावरण से और जलवायु से इसका मतलब। तो आप जानते हैं सब चीजों को देखते हुए ऐसी बात आई, और उसके पहले भी हम लोगों ने शुरू किया। आप जिस तरह से जो नीचे का पानी जल स्तर जो नीचे जा रहा है भूजल स्तर, अब हर घर के लिए पानी का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पता चला है कि उस पानी को पीने के अलावे अन्य चीजों में आप उपयोग करते रहिएगा तो नीचे के पानी का स्तर नीचे जाएगा और एक समय आएगा कि लोगों को वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसके लिए सोच करके और न सिर्फ अभियान बल्कि कार्यक्रम तय किया और उसका नाम दिया है जल जीवन हरियाली अभियान। यानी एक तरफ जल है, एक तरफ हरियाली है और बीच में जीवन है। अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है, लोग बचेंगे चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो। और अगर यह नहीं रहेगा, अगर जल खत्म होता जाएगा, हरियाली नष्ट होती जाएगी, तो यह जीवन बचने वाला नहीं है। जितना दिन जीवन है उतना दिन जो लिखना हो लिखते रहिए, जो बोलना हो बोलते रहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आज जागृति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए सारा काम और इस बार जान लीजिए हरियाली में यहां पर बैठे वो मुख्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेवारी भी उनकी, 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए। हम लोगों के बिहार में क्या स्थिति थी, झारखंड जब अलग हुआ था तो बिहार में 9% से भी थोड़ा कम ही हरियाली थी, हरित आवरण था, ग्रीन कवर था, यानी जंगल के अलावा को मिला करके। और जब हम लोगों ने 2012 से हरियाली मिशन बनाकर ये तय किया कि 24 करोड़ पौधा लगाएंगे और कम से कम 15% तक हमको लाना है हरित आवरण को, ला चुके हम लोग 15%, अब हम लोगों का लक्ष्य 17% करेंगे और उससे भी आगे संभव है तो वहां ले जाएंगे। हरियाली बहुत जरूरी है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जल संरक्षण का काम एक एक चीज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में पोखर तालाब और उस पर कब्जा बहुत जगह कर लिया, सबको कब्जा से मुक्त करा के पोखर तालाब का जीर्णोद्धार, आहार पानी जहां पर पहाड़ है वहां पर चेक डैम से लेकर के एक एक काम, ताकि हम पानी की संरक्षण कर सकते, जल का संरक्षण कर सकते। उसके लिए कई काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। जान लीजिए बापू जयंती है 2 अक्टूबर, 150वां जन्मदिन है 2 अक्टूबर को, और उस दिन हम लोग शुरू करेंगे ये जल जीवन हरियाली का मिशन मोड में काम। और एक एक पंचायत में कोई ना कोई एक काम की हम लोग शुरुआत करेंगे पूरे बिहार के हर पंचायत में, ताकि बिहार के पर्यावरण में संतुलन हो सके। ये जो जलवायु परिवर्तन इसके चलते बताइए, बिहार में तो 15 जून तक मानसून आ जाता था, अब क्या हाल है, कोई ठिकाना नहीं है कब आए, कितना कम पानी पड़ता है। अभी तो कम से कम अच्छा लगा है, अब इसके बाद भी कुछ और वर्षा हो जाए तो कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन बात सबसे बड़ी बात है कि ये तो बिल्कुल पर्यावरण का जो संकट है हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। हम सिर्फ आराम के बारे में नहीं सोच सकते। बापू ने कहा था, गांधी जी ने, कि जो धरती है पृथ्वी है वो आपकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन अगर किसी के मन में लालच है उसको ये पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती है, अपने लालच के कारण पृथ्वी को नष्ट करेगी। और ये अवेयरनेस की जरूरत है, ये जागृति की जरूरत है। मैं कहूंगा जितना मन करे हम लोगों के खिलाफ भाई लिखिए, कोई हमको चिंता नहीं, लेकिन इसके लिए भी कुछ काम कीजिए। ये जो जल जीवन हरियाली के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं और बाजाप्ता प्रभावी तौर पर इफेक्टिवली हम लोग जो 2 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं, और इसके लिए जितना भी पैसे की जरूरत होगी हम लोग अपनी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से उस पर काम करेंगे, क्योंकि बड़ा बुनियादी चीज है।
अब बताइए हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, सड़क हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, एक एक चीज के लिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य के लिए, सब के लिए काम किया। और आज आपको बता दें, हम तो नहीं आए थे कभी, कभी मौका लगा नहीं था, लेकिन आए देख करके इतनी भीड़, मुजफ्फरपुर इतना प्रमुख जगह, और उसमें जो हम लोगों का हॉस्पिटल था, जितने जितनी जरूरत है बेड की उतना था नहीं, तो उसी दिन तो बैठ करके हम लोगों ने तय कर दिया था कि भाई हम लोग मुजफ्फरपुर के अपने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी अल्टीमेटली 2500 बेड का बनाएंगे। अभी जितना बेड है और अभी 400 बेड और 100 बेड अभी इसमें बना, ये सब तो बना ही है, तो इससे 1500 बेड अभी तत्काल उसके लिए इन लोगों ने योजना बनाई है, नक्शा बनाया है कैसे होगा, दो फेज में उसको काम करने के लिए 750 बेड के लिए। ये स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रस्ताव पर काम कर रहा है, आज भी हम लोगों को उसका उन्होंने दिखाया है कि कैसा ये बिल्डिंग बनेगा, बहुत अच्छा तेजी से काम हम लोग करवाए, तो हर चीज के लिए तो कोशिश कर ही रहे काम के लिए, लेकिन जनसंख्या बढ़ गया तो उसका तो लोगों को तब जाएगी। जनसंख्या बड़ा अच्छा बात बोले मालूम, हम एक बात कह देना चाहते हैं, बड़ा अच्छा किया आप जनसंख्या पर, आप जान लीजिए ये जो हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं बहुत दिन से, 13-14 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और एक बार मानव विकास मिशन हम लोगों ने बनाया, 10 था 11 था, अब उसमें जो सारी बातें आई तो हम लोगों ने देखा कि अपने यहां जानते ही है बिहार में बहुत ज्यादा है, प्रतिशत जो है बहुत ज्यादा है, और बिहार में तो आप जान रहे हैं कि बिहार का जो आबादी है प्रति माने एक वर्ग किलोमीटर पर जो बिहार की आबादी है दुनिया में सबसे ज्यादा है, सिंगापुर को छोड़ दीजिए, अरे तो छोटा सा शहर देश है उसको हटा दीजिए, लेकिन देश में ही नहीं दुनिया में इतना ज्यादा कहीं नहीं है आबादी का कंसर्न, कि अगर लड़का माने पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश में औसत प्रजनन दर 2 था, और मुझे खुशी हुई कि अगर पत्नी मैट्रिक है पति पत्नी में पास है तो बिहार में भी प्रजनन दर 2 था, और अगर लड़की इंटर पास है 12वीं कक्षा पढ़ी हुई है तो देश का औसत था 1.7 प्रजनन दर, और मुझे खुशी हुई अपने यहां दर था औसत 1.6, तो हमने कहा कि भाई अगर हम अपने तमाम लड़कियों को मैट्रिक और उसके आगे पढ़ा देंगे तो अपने आप प्रजनन दर 2 पर चलाएगा और जनसंख्या कम होगी, और इसी के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने तय कर दिया कि हरेक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करेंगे, 6000 से ज्यादा पंचायत में हो गया, जो बचा हुआ जितना है इस बार अगले साल अप्रैल महीने से हरेक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई शुरू, 9वें क्लास की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो बड़ा अच्छा बोले भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चियों को पढ़ाइएगा, और आप जानते हैं बेटा पैदा होता है तो जाते खुश, बेटी पैदा होने पर उतना खुश नहीं जाते, ये ठीक बात नहीं है, अरे बिना लड़की के बिना महिला के कुछ आगे बढ़ेगा, सिर्फ अकेले पुरुष कर देगा कुछ काम, पुरुष और स्त्री मिलकर के ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाए, इसलिए महिलाओं की भी उतनी ही जरूरत है, अगर बच्ची पैदा हो तो उसके लिए भी उतना ही खुश होइए जितना बेटा पैदा हो, और इसीलिए हम लोगों ने योजना शुरू की कन्या उत्थान योजना, अगर किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो माता पिता को 2000 रुपया हम लोग यूं ही भेजेंगे पुरस्कार के तौर पर, और 1 साल के अंदर अगर उनको आधार से जोड़ दीजिएगा तो 1000 रुपया और 2 साल के अंदर अगर बेटियों का संपूर्ण टीकाकरण करा लीजिएगा तो 2000 रुपया और जान लीजिए लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल वाइकिल सब तो आप लोग जानते ही, उसको हम क्या बताएं, लेकिन हमने तय किया कि कोई भी लड़की इंटर पास कर जाएगी और बाल विवाह की शिकार नहीं है
तो उसको हर लड़की को इंटर पास करने पर 10,000 रुपया, जो बाल विवाह की शिकार नहीं है, और कोई भी लड़की विवाहित हो या अविवाहित अगर ग्रेजुएट करेगी तब स्नातक की परीक्षा पास कर जाएगी, तो बिहार के हर लड़की को राज्य सरकार की तरफ से 25,000 रुपया दिया जाएगा। तब बताइए, तो लड़का लोग ताली बजा रहे तो याद रखिएगा, सब सिखाइएगा कि बेटी पैदा होने पर भी उतना ही खुश होनी चाहिए, खाली लड़का होने से कुछ हो गया जी। इसलिए हम लोग इस सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं और विकास का भी काम करते हैं और समाज सुधार का भी और सामाजिक उत्थान का भी काम करते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और आप सब से हम आग्रह करेंगे, यहाँ काम हो रहा, मैं स्वास्थ्य विभाग को, मंत्री जी को, इनके विभाग के प्रधान सचिव और अन्य लोगों को मैं विशेष तौर पर, और सबसे ज्यादा हम बधाई भाई मुजफ्फरपुर SKMCH के प्रिंसिपल, इनके सुप्रिंटेंडेंट, इनके तमाम जो डॉक्टर्स हैं, सारे लोग और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, सबको हम विशेष तौर पर बधाई देते हैं भाई। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से जो भी संभव है उसके लिए काम करना चाहिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के, यहां देख लीजिए हम सब लोग कितना लोग यहां बैठे हुए, बोले हम ही लोग 3-4 आदमी, लेकिन सब लोग यहां पर बैठे हुए, तो सब लोगों को इस बात के प्रति समर्पण है। इसे हम और आप सब मिलकर समाज के लोगों में जागृति लाएं और समाज में प्रेम का और भाईचारे का भावना पैदा करके रखें, ताकि समाज ठीक ढंग से चले, और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए हम लोग जलवायु परिवर्तन समाप्त को देखते हुए इस पर जल जीवन हरियाली अभियान में सब लोग एकजुट होकर के लगिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।